हेलो 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 हेलो, आ रहे ना आवाज? हाँ, एक दिन आवाज ही गायब हो गई। देखिए आज का भाई शेड्यूल आज का थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त है, बता दिया जाए आपका। कल से आपका शेड्यूल सही होगा क्योंकि शनिवार को ज़्यादा लोग आए नहीं थे, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकी। आपका कल से जो क्लास चलेगा भाई 8 माने 8:15 बजे शुरू हो जाएगा। 8:15 तक आप लोग आ जाएंगे। सबसे पहले TPA चलेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, फिर एविडेंस और फिर उत्तराखंड आपका पुलिस एक्ट चलेगा। यानी कि वही मान के चलिए 12:15 या 12:30 के बीच में क्लास आपका एंड होगा जो कल से चलेगा। आज जो शेड्यूल है आपका, ये पहला क्लास आपका आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, फिर एविडेंस और फिर उत्तराखंड पुलिस एक्ट। यानी कि आज आपका केवल 3 क्लास चलेगा और कल से आपका थोड़ा पहले किया जा रहा है समय, भाई 8:15 बजे शुरू हो जाएगा। क्योंकि 7 से 8 बजे तक आपका इंग्लिश चलता है, तो 15 मिनट का बीच में ब्रेक रहेगा और फिर 8:15 बजे क्लास शुरू कर दिया जाएगा। GS भी आपका प्रकाश सर पढ़ाएंगे आपका, जल्दी ही 2-3 दिन में GS लास्ट में लगेगा, 12:15 से 1:15 तक, या 12 से प्रयास किया जा रहा है या 12:15 से। तो जिन लोगों को GS पढ़ना है अपना भाई, 2-3 दिन बाद शुरू कराया जाएगा, ताकि आपका UPJ भी वैकेंसी आने वाली है जल्दी, तो आपका इंग्लिश भी हो जाएगा, फिर लॉ भी, और लास्ट में आपका GS भी। मैंने एक ही बार आइए और सुबह पूरा पढ़ के निकल जाइए। जो लोग आपका नहीं मैंने क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, तो भाई आप लाइव क्लास देख सकते हैं, और सभी क्लास अब लाइव क्लास चलेगी, और सभी क्लास की आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी ऐप पर भेजा जा रहा है। यानी कि आप मान लीजिए मिस हो गया किसी दिन क्लास, तो भाई उसी दिन आपका रात में वीडियो देख लीजिए, क्योंकि एक क्रम से पढ़ाया जाता है, और जैसे ही पीछे वाला थोड़ा क्रम टूटता है तो भाई आपका दिक्कत होती है। एक ये बात है कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपका UPJ में 15 क्वेश्चन बनते हैं प्री में। अब ये है कि भाई जो 15 क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें आप बैठिए उधर हो, हाँ बैठिए उधर है, अंदर घुस जाइए। ये जो 15 क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें आपका ये सतर्क रहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रकरण आता है 10-12 यानी कि करंट मामले, उसमें तो भाई पूरा आप सही नहीं कर पाएंगे। अगर 10 आता है इन अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, तो उसमें आपका 6 या 7 सही हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ रहा है 15 क्वेश्चन, ये आप 15 में 15 भी सही कर सकते हैं, या अधिकतम 13 या 14 तक आप सही कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़े हो तब। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आपका 1-2 क्वेश्चन अभी भी बाहर जा रहा है कंपटीशन से, तो उसका उपाय ये है कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ा, जो आपका 1-2 क्वेश्चन भी बाहर न जाए, इसलिए आज आपका थोड़ा बहुत सुधारा जा रहा है पढ़ाने की स्टाइल भी, ताकि 1-2 क्वेश्चन जो आपका साल पेपर में बाहर जा रहा है वो भी भाई न जाए। तो एक बार हम 5 मिनट 7 मिनट दोहराएंगे जितना पढ़ाया गया है, और चूंकि आर्टिकल 2 से लेकर और 8 तक में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं, और अभी भी आपका 2-3 क्वेश्चन मने आपका बाहर जा रहे हैं, तो उसको फिर एक बार तेज़ी से हम पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपका लिखवा भी जाएगा, तब आगे बढ़ा जाएगा।
हेलो। हेलो। देखिए, आपका फिर एक बार दोहराया जाए और दो तीन क्वेश्चन अलग से आप लोग लिख लीजिएगा। उसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आए हैं, एक दो क्वेश्चन आपका मैंने बाहर गया उसको अलग से हम लिखवा दे रहे हैं। देखिए, आपका शुरुआती दौर से बताया गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले जो संस्था थी वह राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस था, और द्वितीय विश्व युद्ध होता है तत्पश्चात यूएनओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन पर तमाम क्वेश्चन बने हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये बना है कि संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया, तो मैं बता भी चुका हूँ, इसको लिखवाया भी हूँ, और नामकरण अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया। रूजवेल्ट याद रखिए, पूछा भी गया है। फिर यूएनओ की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम थी या किस सम्मेलन द्वारा हुई, तो लास्ट हमने सम्मेलन बताया था, लिखवाया भी हूँ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। फिर आपका पूछा गया है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ये भी लिखवाया गया है, तो आपका जवाब रहेगा लॉर्ड हैलीफैक्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन बना है कि मूल सदस्य संख्या कितनी थी यूएनओ की, तो आपका मूल सदस्य संख्या लिखवाई गई है, कई बार बताई गई है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि शॉर्टकट में यूएनओ की मूल सदस्य संख्या 51 थी यानी कि 51 थी, ये भी लिखवा गया है भाई। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये बना है कि यूएनओ का जो चार्टर है, चार्टर मतलब दस्तावेज, दस्तावेज यानी कि विलेख, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है ये कब अधिनियमित हुआ यानी कि कब बनाया गया। तो देखिए, आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जिस तारीख को आपका राज्यों ने इस चार्टर पर साइन किया, वही तारीख इसके निर्माण या एक्टेड होने या अधिनियम अधिनियम बनने की तारीख होती है। और आपका 50 देशों ने 26 जून 1945 को इस चार्टर पर साइन कर दिया। तो अब पूछा जाता है कि एक्ट ये कब बना या ये विलेख कब तैयार हो गया, कब इसका निर्माण हुआ या ये अधिनियमित कब हुआ, तो अलग से एक लाइन लिख लीजिए, ये डायरेक्ट नहीं लिखवाया गया क्वेश्चन, अलग से लिखिए। लिखिए भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर अलग से कहीं लिख लीजिए, तब आगे बढ़ा जाएगा, एक दो क्वेश्चन आपका मिस कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 26 जून 1945 को अधिनियमित हुआ, मैंने इस पर साइन किया गया, अधिनियमित हुआ, या इसको दूसरी भाषा में बन सकता है
इसका निर्माण किया गया, यानी कि एक्ट कब बना। अब अगला क्वेश्चन तुरंत को रिलेट करके आपको पढ़ना है और तुरंत दिमाग में रखना है कि भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अधिनियमित कब हुआ, एक्टेड कब हुआ, यानी कि संविधान का निर्माण कब हुआ। तो ये हमारे संविधान की उद्देशिका में ही लिखा गया है और वह डेट कौन है, 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1945, याद रखना है कोरिलेट करके। अगला क्वेश्चन आपका ये बना है वो भी भाई, कि कौन सा वह देश था जो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर बाद में साइन किया। तो कौन सा देश था वो बताया गया ना, पोलैंड। और वह डेट तक पूछी गई है कि जो पोलैंड है, चूंकि 51वां देश था बाद में साइन किया, तो मैं डेट भी आपका लिखवाया था और फिर एक बार हम बता दें रिवीजन के तौर पे कि 15 अक्टूबर 1945, यानी कि 15 अक्टूबर 1945, ये याद रखना है, पूछा जा चुका है। फिर आपका क्वेश्चन जो बना है वह ये बना है आपका कि जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, ईयर बना है, तो लगातार वही तो ईयर बताया जा रहा है कब, आपका माने 1945। इसके बाद हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बताई थी, वहाँ से दो तीन मॉडल बना है। यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो डेट मैं लिखवाया हूँ 24 अक्टूबर 1945, यानी कि 24 अक्टूबर 1945। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए, यहीं पकड़ना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई दिवस का मतलब ये हुआ कि जिस दिन इसकी क्या हो गई, स्थापना, तो भाई किस तारीख को स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, ये आपका जवाब रहेगा कि 24 अक्टूबर 1945, याद रखिए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आपका शुरुआती दौर में बना है वो छूट भी गया था, माने कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। इस विषय पर पहले समझिए तब हम लिखवाते हैं अलग से। देखिए आपका इस विषय पर समझना ये है कि सैन फ्रांसिस्को में आपका 51 देशों ने सम्मेलन किया, जिसकी अध्यक्षता आपका लॉर्ड हैलीफैक्स ने की, और 51 देशों में भारत भी शामिल था, इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि जो इंडिया या भारत था इन 51 देशों में शामिल था। फिर हमने एक नियम बताया था कि 51, अब अनुच्छेद 1 आपका ये माने अनुच्छेद आपका 110 कहता है कि जब 51 देशों में से 2/3 देश अपनी संसद द्वारा इस संधि को पास कर देंगे, तो जैसे ही 2/3 का कोटा पूरा होगा वैसे ही यूएनओ अस्तित्व में आ जाएगा, इसका जन्म हो जाएगा। और 2/3 केवल पास न करें अपनी संसद में, बल्कि वह अनुसमर्थन पत्र यानी कि जो उनकी विधायिका पास की है उसको कहाँ जमा करवाएं, तो यूएनओ का मुख्यालय भी पूछा गया है, लिखवाया गया है, तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो जब ये देश अपना अनुसमर्थन पत्र या संकल्प पास करके कहाँ जमा कर देंगे, न्यूयॉर्क के मुख्यालय में, और कितने देश जमा कर देंगे, तो 51 का 2/3 जमा कर देंगे, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य भी शामिल हैं। तो जिस तारीख को
ये कोटा पूरा होगा उसी तारीख को यूएनओ अस्तित्व में आ जाएगा। तो ये कोटा किस तारीख को पूरा हुआ, तो वही दिन है निर्माण का। तो किस तारीख को पूरा हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसी दिन ये अस्तित्व में आ गया। अब भारत पर आइए, देखिए भारत मूल सदस्य देश था ये भी पूछा गया है, और जो 51 देश जुटे थे उसमें भारत के प्रतिनिधि भी जुटे थे। लेकिन हल्का सा देर हो गई, देर ये हो गई कि भारत ने जो अनुसमर्थन पत्र भेजा न्यूयॉर्क मुख्यालय में, वह 30 अक्टूबर 1945 को भेजा, यानी कि 6 दिन बाद भेजा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो जिस तारीख को भारत की माने भारत ने क्या यूएनओ में भेज दिया अपना अनुसमर्थन पत्र, तो वह तारीख कौन है, तो आपका 30 अक्टूबर 1945। अलग से लिखिए, भारत 30 अक्टूबर 1944 को, यानी कि भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, ये याद रखना है। आगे देखा जाए आपका, अब हमने निर्माण बता दिया था, इसके बाद हमने जो बताया था उद्देशिका बताया था, यानी कि प्रियम्बल बताया था। अब प्रियम्बल से जो क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों को भी सतर्क रहना है। आपका यूएनओ का क्या उद्देश्य माने आपका उद्देश्य है, आपका इसमें 4 ऑप्शन देता है और आपका इसमें से 3 ऑप्शन सही रहेंगे, एक गलत रहेगा, और पूछा ये जाता है कि क्या उद्देश्य नहीं है। तो इसके लिए आपका ये है कि जो प्रियम्बल में आपका 4 उद्देश्य हैं उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद आपका हमने चैप्टर 1 शुरू किया था, चैप्टर 1 में आपका प्रयोजन और सिद्धांत यानी कि पर्पज और प्रिंसिपल दिए गए हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि यूएनओ के चार्टर के किस अध्याय में यूएनओ का आपका पर्पज यानी कि उद्देश्य या लक्ष्य और सिद्धांत दिए गए हैं, प्रिंसिपल दिए गए हैं, तो आपका जवाब रहेगा अध्याय 1 में, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आपका जवाब रहेगा अनुच्छेद 1 से लेकर 2 तक। तो जो पिछली बार क्वेश्चन बना वह ये बना कि प्रयोजन और उद्देश्य एक ही में बना है, कि यूएनओ का प्रयोजन और उद्देश्य किस अनुच्छेद में दिया गया है, 1, 2, 2, 3, 3, 4, तो क्या अनुच्छेद मार्क कराएंगे, 1 तथा 2। एक बार आपका मिलाने के लिए आया है तो लगातार अनुच्छेद मैं बताता रहूंगा आर्टिकल। अब इसमें एक क्वेश्चन और बना है अंदर से थोड़ा, और वह बना है कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत कहाँ समाहित है, यानी कि आत्मनिर्णय का मतलब कि स्वयं से निर्णय करिए, उसको अलग से लिखिए भाई, अलग से लिखिए। तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आत्मरक्षा ना मार दीजिएगा, ये आत्मनिर्णय बताया जा रहा है, अभी आत्मरक्षा आगे आएगा। आत्मनिर्णय का सिद्धांत अनुच्छेद 1 के खंड 2 में समाहित है, अनुच्छेद 1 के खंड 2 यानी कि आर्टिकल 1 लिखेंगे, उसके बाद कोष्ठ में 2 लिखेंगे, अनुच्छेद 1 के क्लाज 2 में समाहित हैं ये आपको। इसके बाद अनुच्छेद 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। अनुच्छेद 2 में हमने देखे आपका
ये सात सिद्धांत बताए थे, इसको मैं लिखवा भी चुका हूँ। तो इन सात सिद्धांतों में जो क्वेश्चन बने हैं, उन क्वेश्चनों को पहले हम 1-2 मिनट और गौर कर लेते हैं, तब आपका आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आपका एक तो क्वेश्चन मिलाने के लिए बना है कि कौन सा सिद्धांत किस क्लाज या खंड में है। तो पहला आपका नियम ये होना चाहिए, अगर चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो सातों खंड एक जगह लिख के और उसको क्या करिए, याद। इसके बाद आपका जो पूछा गया है कि पैक्टा संट सर्वेंडा, जो ये अंतर्राष्ट्रीय विधि इसी सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर? पैक्टा संट सर्वेंडा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राज्य जो भी आपस में संधियां करेंगे, उन संधियों का वह पालन करेंगे, और इसी पर संयुक्त राष्ट्र संघ आधारित है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, एक तो आपका सातों खंडों से बना है और संपूर्ण माने जो प्रभुत्व संपन्न समानता का सिद्धांत है, ये पहले ही क्लाज में है कि यूएनओ के सभी देश सावरेन होंगे और उनको इक्वल माना जाएगा। ये पहला ही है, आपका लिखवा भी गया था अनुच्छेद 2 के किस क्लाज में, 1 में। और पैक्टा संट सर्वेंडा का सिद्धांत कहाँ समाहित है? तो अनुच्छेद 2 के क्लाज 2 में। और जस कोजंस का सिद्धांत हमने बताया था, तो किस में हमने बताया था? 4 में, यही रटना है, किस में? 4 में। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बना है, आपका आत्म माने रक्षा का सिद्धांत बना है, और आत्मरक्षा का सिद्धांत किस आर्टिकल में है? बताया भी गया है, लिखवाया भी गया है, यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 51। एक क्वेश्चन बस बचा है, उसी को मैंने अनुच्छेद 2 से एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जा सका था, केवल वह क्वेश्चन लिखवाया जाए, तब अनुच्छेद 3 से शुरू किया जाए। वह क्वेश्चन ये था कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए कौन कौन कितने सिद्धांत हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य नहीं हैं उनके लिए भी सिद्धांत हैं, तो वो कितने हैं, एक बार बंटवारा करके पूछा है। तो आपको बता दिया जाए स्पष्ट रूप से। देखिए भाई, आपका जो अनुच्छेद 2 का खंड 1 से लेकर 5 तक है, ये केवल और केवल किसके लिए हैं? यूएनओ के सदस्यों के लिए। और अनुच्छेद 2 के क्लाज 6 से लेकर और क्लाज 7, यानी कि ये जो 2 खंड हैं, ये किसके लिए हैं? आपका यूएनओ के गैर सदस्य। गैर सदस्य का मतलब कि जो राज्य या देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, उसको अलग से लिखिए। तो अनुच्छेद 2 में बंटवारा पहले करिए, अनुच्छेद 2 में 5 सिद्धांत, अनुच्छेद 2 में 5 सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के लिए हैं, जबकि दो सिद्धांत गैर सदस्य राज्यों के लिए हैं। गैर सदस्य राज्य का मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको अलग अलग बंटवारा कर देना है, क्लाज वाइज पूछे तो लिखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके। अनुच्छेद 2 के
खंड एक से लेकर पांच तक में अनुच्छेद दो के खंड एक से लेकर पांच तक में दिए गए सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से संबंधित हैं, जबकि जबकि खंड छः तथा सात, छः सात, सिक्स सेवन, छः तथा सात गैर सदस्य राज्यों के लिए समर्पित हैं। गैर सदस्य राज्यों के लिए समर्पित हैं। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, वो भी लिख लीजिए, और वह आपका केल्सन का, देखिए हो सकता है लिखवा गया हो। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, तब आगे शुरू किया जाए भाई आपका। अभी दो क्वेश्चन आपका लिखिए, आपका नीचे लिखिए, संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन को, संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन के आधार पर केल्सन का यह मानना है कि केल्सन याद रखिएगा, केल्सन का यह मानना है कि यह संघ इस संगठन का उद्देश्य इस संगठन का उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना है। इस संगठन का उद्देश्य वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना, विश्व शांति की स्थापना करना है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपका हैंस केल्सन महोदय बताते हैं, केल्सन। अगला देखिए आपका, एक और पॉइंट बचा है, और उस वह जो ज़्यादा पूछा जाता है कि किसी देश के इंटरनल मामलों में या आंतरिक मामलों में या निजी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ मध्यक्षेप या हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सिद्धांत आपका, ये जो सिद्धांत या प्रिंसिपल हैं क्लाज टू माने अनुच्छेद दो के, किस क्लाज में समाहित हैं। ये चार पांच बार क्वेश्चन आया है, तो क्लाज नंबर 7 लिखवाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यह सिद्धांत है कि वह किसी देश के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आइए आगे फिर एक बार भाई पढ़ा जाए आपका अध्याय। अब आ जाइए आपका टू, यानी कि चैप्टर हम टू शुरू करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत कमी रह गई थी, आप दूर करके तब लिखवा जाए, समाप्त हो जाए अध्याय, तो क्योंकि आपका ये ज़्यादा समय नहीं लेता अध्याय। देखिए भाई आपका एक एक करके, अनुच्छेद 3 में फिर एक बार देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक ये अध्याय 2 में है, ये भी क्वेश्चन आजकल बन रहा है, अभी लिखवा जाएगा इसको, अभी लिखिए ना, पहले आप समझिए, यहीं से लिखवाना भी आज से। अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक में आपका सदस्यता के बारे में है, तो पहला आपका सिद्धांत ये होना चाहिए कि
कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 3 से लेकर 6 तक में प्रावधान है, कई बार मिलाने के लिए आए हैं कि कौन सुमेलित है और कौन सुमेलित नहीं है, तो फिर एक बार हम आज बता रहे हैं, कई बार बता चुके हैं, 3 में मूल सदस्य या ओरिजिनल मेंबर, 4 में नए सदस्यों का प्रवेश, 5 में सदस्यों का निलंबन और 6 में क्या है, निष्कासन। ये तो याद हो। अब अनुच्छेद 1 से तैयार रखिए। अनुच्छेद 1 में प्रयोजन और सिद्धांत किस में, 2 में। तो आपका 6 अनुच्छेद ऐसे तैयार करना है। अब आइए मूल सदस्य कौन होंगे इस बारे में आपका, देखिए इस पर क्वेश्चन भी कैसे बने हैं। देखिए मूल सदस्य वह होंगे जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस चार्टर पर हस्ताक्षर किया और हस्ताक्षर करने के बाद उन देशों की विधायिका ने या सक्षम प्राधिकारी ने इस संधि या चार्टर का अनुमोदन किया, रेटिफिकेशन किया, अनुसमर्थन किया। यानी कि जो लोग सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिए और अब फिर संसद उनकी क्या की, उसकी अनुमोदन की, वे फाउंडर मेंबर, ओरिजिनल मेंबर या प्रारंभिक मेंबर या कह सकते हैं कि मूल सदस्य माने जाएंगे। फिर एक बात और कही गई है कि वे सदस्य भी मूल सदस्य माने जाएंगे जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को यानी कि 1 जनवरी 1904 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर साइन किया था और फिर उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन पर भी यूएनओ चार्टर पर साइन किया था और उनकी विधायिका या उनकी सरकारें इस चार्टर का या संधि का क्या की थी, अनुसमर्थन। ये क्या माने जाएंगे, फाउंडर मेंबर। अब इसी पर क्वेश्चन बना है कि फाउंडर मेंबर कितने थे, तो आपका लगातार बताया जा रहा है कितने थे, 51। अब 26 जून 1945 ईस्वी को आपका कुल 50 देशों ने इस संधि पर या चार्टर पर हस्ताक्षर किया था और आपका तो ये पूछा गया है, अभी हमने लिखवाया भी था कि संयुक्त राष्ट्र संघ अधिनियमित कब हुआ, कानून कब बना या कब इस पर साइन किया गया, तो 50 देशों ने कब साइन किया, तो 26 जून 1945। फिर आपका पूछा गया कि बाद में कौन साइन किया, लास्ट में कौन साइन किया, कौन सा ऐसा देश है जिसके प्रतिनिधि आपका मने नहीं थे और बाद में उनकी सरकार बनी तो वे शामिल हो गए और यूएनओ की स्थापना के पहले उन्होंने चार्टर पर साइन कर दिया, तो वह देश कौन था, पोलैंड। कौन सा देश था, पोलैंड। तो अगला क्वेश्चन बना कि पोलैंड ने किस तारीख को आपका साइन किया, वह तारीख मैं लिखवा चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ किस तारीख को, 15 अक्टूबर 1945। अब अगला क्वेश्चन आपका भारत इसमें बन जाता है, लास्ट क्वेश्चन, कि क्या भारत यूएनओ का फाउंडर मेंबर था कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा था, फाउंडर मेंबर था। यानी कि जो 50 देश 26 जून 1945 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे उसमें भारत भी था, भारत के प्रतिनिधि ने भाग लिया और इस पर हस्ताक्षर भी किया था। वो अलग बात है कि भारत की संसद ने प्रस्ताव बाद में पास किया और भेजते भेजते थोड़ा देर हो गई और गठन के बाद भेजा, यानी कि कब भेजा आपका, 30 अक्टूबर आपका 1945 को। तो देखिए आपका अनुसमर्थन पत्र बाद में भेजा, लेकिन जो 50 देश साइन किए थे 26
26 जून को भारत भी उसमें क्या था, क्योंकि आपको फिर एक नियम हम बता रहे हैं, दोबारा आज ही बताया गया कि नियम ये था कि 51 देशों में से जो अगर 2/3 या 2/3 देश जब संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में अपना अनुसमर्थन पत्र भेज देंगे, उस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ जाएगा, उस तारीख को यूएनओ की क्या हो जाएगी, स्थापना। और वह तारीख कौन है, तो लगातार बताया जा रहा है कौन सी तारीख है, 24 अक्टूबर। इस प्रकार फाउंडर मेंबर आपके समाप्त हुए। अब आइए अनुच्छेद आपका आर्टिकल 4 देखना है, 3 समाप्त हो गया। अनुच्छेद 4 आपका नए सदस्यों के प्रवेश की बात करता है कि जो अगर नए सदस्य यूएनओ में प्रवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या नियम कायदे हैं और क्या नीतियां हैं। तो नए सदस्यों का प्रवेश का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस आर्टिकल में है, पहला क्वेश्चन, 4 में है। अब देखिए आपका क्या बताया गया है, देखिए किसी नए सदस्य को अगर यूएनओ का किसी नए देश या राज्य को अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना है तो पहला नियम यह है कि उसको कैसे बनाया जाएगा। आपका यही क्वेश्चन बार बार लोग गलत करके आ रहे हैं, लेकिन एक लाइन याद रखिएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा, यानी कि सुरक्षा परिषद प्रपोजल या प्रस्ताव पास करेगी और तत्पश्चात महासभा उसका अनुसमर्थन कर दे, उसको ओके कर दे, यानी कि महासभा भी वोटिंग करके उस पर रजामंद हो जाए, तब वह देश आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है। तो मॉडल देखिए यहाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कोई राज्य कैसे बनता है, तो अब 4-5 ऑप्शन भरमाऊ दे देगा, देखिए कैसे देगा, महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद द्वारा, पहला उल्टा मैंने घुमा दिया क्वेश्चन, फिर आपका महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, और लास्ट में दे दिया सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। तो क्या मार कराएंगे, अभी बताया गया किसकी सिफारिश पर कौन, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन, महासभा। रट कर जाइए, ये नहीं कि उल्टा भी पूछा गया, जाकर देखिए कि आपका महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद, ये नहीं मारना है, यानी कि सुरक्षा परिषद उस प्रपोजल को पास करेगी, महासभा या आम सभा या जनरल असेंबली को भेजेगी और जनरल असेंबली उसका समर्थन करेगी, वोटिंग होगा, वह प्रस्ताव पास करेगी और तब जाकर कोई देश आपका क्या बन सकता है, कह सकते हैं कि यूएनओ का नया मेंबर। अब आपका किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का नया मेंबर बनाया जाए, नए सदस्य बनाया जाए, उस देश में क्या विशेषता होनी चाहिए, यानी कि कौन किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ नए राज्य के रूप में शामिल करे, उस राज्य की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसका उल्लेख कहीं भी आपका यूएनओ चार्टर में नहीं किया गया है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किसी भी अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान नहीं किया गया है कि किसी कोई देश आपका कब आपका यूएनओ का मेंबर बनाया जाएगा, लेकिन ये जरूर दिया गया है कि कैसे मेंबर बनाया जाएगा, लेकिन कब बनाया जाएगा, यानी कि आपका इसका उल्लेख नहीं है।
अतः इस विषय पर एडवाइजरी मांगी गई, सलाह मांगी गई, और वही सलाह आपको देखना है। अब आइए सलाह मंगवाया जाए और एडवाइजरी, और तब आपका कुछ उस राज्य की विशेषता बताई जाए, जिस राज्य को कह सकते हैं कि आपका यूएनओ का मेंबर बनाया जाएगा। तो देखिए सलाहकारी अधिकारिता को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। जब भी आप सलाह लीजिए, सलाह यानी कि एडवाइजरी, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये देखना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से सलाह कौन मांग सकता है। पहला क्वेश्चन खूब बनाइए, कौन मांग सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपका सलाह जब मांगी जाती है तो आपका किस अनुच्छेद के तहत मांगी जाती है, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। और तीसरा क्वेश्चन इसमें जो आपको बनाना है वह भारत से कोरिलेट करके बनाना है, और भारत से जो कोरिलेट करके बनाना है कि उच्चतम भारत के उच्चतम न्यायालय से एडवाइजरी या परामर्श या सलाह आपका क्या मांगा जा सकता है कि नहीं, और मांगा जा सकता है तो संविधान के किस आर्टिकल के तहत, तो 143 के तहत, और कौन मांग सकता है, राष्ट्रपति मांग सकता है, और इसके लिए आपका कम से कम कितना जज मिलकर आपका सलाह देंगे, तो कम से कम कितने जज, 5 जज। तो पहले भारत पर हम देखते हैं, आपका 2-3 अनुच्छेद भी याद करना पड़ेगा। भाई देखिए आपका पहले भारत पर आ जाइए आपका, तब हम पहले भारत पर आइए तब आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मंगवाई जाए, ताकि आपका संविधान में भी 1-2 क्वेश्चन आपका तैयार हो, अच्छा क्वेश्चन बनता है। और बिहार जे में भी लगातार क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन बिहार जे में ये बना है कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम किस मामले में एडवाइजरी या परामर्श या सलाह मांगी थी। तो इनरी बेरुबारी, ये बिहार जे में बन चुका है। इसके बाद आपका 3 क्रम से जो मैंने सलाह मांगे गए हैं बिहार, मैंने आपका भारत में 3 का क्रम याद रखना है। बिहार में कई बार पूछा है कौन सा क्रम सही है, लेकिन आपका पहले सलाह देखिए, पहले हम भारत में बता रहे हैं, अभी यूएनओ में नहीं, भारत के संविधान में क्या नियम है इस बारे में, तब आपका संयुक्त राष्ट्र में हम सलाह मंगवाएंगे कि किस देश को नया राज्य के रूप में आपका एंट्री कराया जाए। देखिए आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 में आपका एडवाइजरी या सलाह या परामर्श मांगने का प्रावधान किया गया है। भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट भारत के उच्चतम न्यायालय से किसी विधि के मुद्दे या तथ्य के प्रश्न पर, तो दूसरा क्वेश्चन आपका बना, एक एक क्वेश्चन निकालते रहना है, कौन सलाह मांगता है राष्ट्रपति, किससे एडवाइजरी मांगता है उच्चतम न्यायालय से, तीसरा क्वेश्चन बना तथ्य की के प्रश्न पर यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर, कि विधि के प्रश्न पर यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, कि दोनों पर, तो दोनों पर, एक पर न मारिए, किस पर, यानी कि भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी तथ्य के मुद्दे पर और किसी कानून के मुद्दे पर ओपिनियन मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
विवाद उत्पन्न होने के पूर्व मांगा जाएगा सलाह, कि विवाद उत्पन्न होने के बाद कि दोनों दशाओं में, ये आईएएस में पूछा जा चुका है, तो आपका जवाब रहेगा दोनों कंडीशन में। यानी कि विवाद उत्पन्न होने के पूर्व भी राष्ट्रपति मांग सकता है और विवाद उत्पन्न होने के बाद भी। अब तीसरा क्वेश्चन आया कि जब राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे तो उच्चतम न्यायालय के कम से कम कितने जज मिलकर सलाह देंगे, यानी कि जो पीठ बैठेगी, बेंच बैठेगी, वह कम से कम कितने जजों की होगी? पांच। तो ये जो पांच जज होंगे, ये किस आर्टिकल में प्रावधानित हैं कि सलाह मांगने पर पांच जज ही सलाह देंगे मिलकर? तो वह आर्टिकल याद रखना है, एक और संविधान का 145, किस अनुच्छेद में है? 145। अगला आइए, क्या भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को एडवाइजरी देने के लिए बाउंड या बाध्य है? नहीं, बाध्य नहीं है, चाहे तो सलाह दे और चाहे तो इनकार कर दे। अगला नियम, अगला नियम, ये दो नियम और बचे हैं। अगला नियम ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई एडवाइजरी देता है, चाहे तथ्य के प्रश्न पर या विधि के, तो क्या भारत के राष्ट्रपति उस एडवाइजरी को मानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं? तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, याद रखिए, राष्ट्रपति भी मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य। अगला क्वेश्चन आइए, कब उच्चतम न्यायालय आपका राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह पर सलाह देने के लिए बाध्य हैं? एक कंडीशन है और वही कंडीशन आईएएस में और आपका पीसीएस जे में ज़्यादा पूछी जाती है। फिर एक बार समझिए, ये दसों क्वेश्चन अभी निकल रहे हैं। यानी कि कब सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को आपका सलाह देने के लिए बाध्य होगा? तो जब मामला आर्टिकल 131 यानी कि अनुच्छेद 131 के प्रोविजो यानी कि परंतुक में आ जाए, यानी कि अनुच्छेद 131 के परंतुक में आने वाले मामलों में अगर भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है, तो उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए क्या है? बाध्य है, विवेक नहीं है, यानी कि उसका विवेकाधिकार नहीं है, ये रटे रहिएगा, क्या है वो? बाध्य है। अब अगला चला जाए, आपका अगला नियम ये देखना है आपका कि जो सलाह मांगी जाती है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ पर बैक होइए, भारत में हमने बताया, अब हम कहाँ बताएंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ पर। तो जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन सलाह मांग सकता है? यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है पीसीएस जे में, यहाँ से जो क्वेश्चन बना है आपका, काफ़ी लोग गलत करके भी आए हैं। देखिए वर्तमान में फिर बता दिया जाए भाई, जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपका, वह आसान नहीं बन रहे हैं, थोड़ा घुमावदार बन रहे हैं वर्तमान समय में, और घुमावदार क्वेश्चन को आपका प्रयास ये करिए कि आप पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर रखिए, तभी वह क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगर 1% भी कंसेप्ट आपका डिगा, तो मान कर चलिए कि वो क्वेश्चन आप क्या करके आ सकते हैं? गलत। इसीलिए मैं अब थोड़ा व्यू चेंज किया हूँ पढ़ाने का, कि जो टेक्निकल क्वेश्चन आ रहे हैं, आसान क्वेश्चन तो हर एक आदमी कर लेगा, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन है वहीं आपको चार पांच पकड़ना है। आसान तो सब कर लेंगे कि आपका भाई, आसान में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टेक्निकल क्वेश्चन क्या है यहाँ, कौन एडवाइजरी आईसीजे, आईसीजे मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, से मांग सकता है? तो देखिए क्या देगा, महासभा।
आपका मांग सकती हैं, फिर दे देगा सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। अब दोनों इनमें से कोई नहीं तो आप दोनों माफ कराइए, यानी कि अगर महासभा और सुरक्षा परिषद इसके बाद दोनों रहे तो क्या मार कर आना है, दोनों। अगला नियम देखिए। अब यहाँ जो क्वेश्चन अच्छा बनता है, इतना तक सब कर ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि क्या जो अन्य संगठन है या विशिष्ट एजेंसियाँ हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, बताया जाएगा लास्ट में, 17 विशिष्ट एजेंसियाँ हैं, उनका मुख्यालय इत्यादि पूछा जाता है। तो क्या जो 17 अन्य विशिष्ट एजेंसियाँ हैं या अदर जो एजेंसी हैं, क्या वह न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह मांग सकती हैं कि नहीं? तो याद रखिए, सामान्यतः नहीं मांग सकती। तो सलाह मांगने का अधिकार केवल दो को ही है, किसको किसको, महासभा और सुरक्षा परिषद। लेकिन अब देखिए, यही टेक्निकल पॉइंट है कि ये जो विशिष्ट एजेंसियां हैं ये कब आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से एडवाइजरी मांग सकती हैं? तो बस एक लाइन याद रखिएगा, जब इन्हें एडवाइजरी मांगने के लिए महासभा द्वारा अथराइज किया जाए, यानी कि महासभा द्वारा प्राधिकृत किया जाए। रट कर जाइएगा, कब सलाह मांग सकती हैं, माने महासभा और सुरक्षा परिषद के अलावा अन्य अंग जो हैं, या आपका कह सकते हैं कि अन्य एजेंसियां किसके द्वारा अथराइज किए जाने पर, आपका महासभा द्वारा। ये अब हाँ, किस अनुच्छेद के तहत सलाह यानी कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किस आर्टिकल के तहत दी गई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के। अब अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद भी पूछा जाता है, तो वह अनुच्छेद कौन सा है, 96, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 96 के तहत सलाह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मांगी जाती है। अब सलाह मांगिए, महासभा ने 1950 ईस्वी में न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से यह सलाह मांगी कि किसी नए राज्य को किन शर्तों पर UNO का मेंबर बनाया जाए, कम से कम आप हमें कुछ इस बारे में क्या कर दीजिए, सलाह दे दीजिए, एडवाइजरी दे दीजिए। तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने महासभा को सलाह दिया था, और वहीं सलाह देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि नए राज्य को आपका UNO में शामिल करने के लिए किन किस कंडीशन को, किन शर्तों की पूर्ति करनी होगी। तो एक एक करके देखिए, सबसे पहले उसे राज्य या स्टेट होना चाहिए, अभी हम लिखवाएंगे इसको। पहला क्या हुआ, उसे क्या होना चाहिए, राज्य। तो बताइए, शांत प्रिय राज्य हो कि अशांत राज्य हो, शांत प्रिय राज्य हो, दूसरा हो गया। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यताओं को स्वीकार करे, तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो ऑब्लिगेशन है यानी कि जो बाध्यताएं हैं वह क्या करे, एक्सेप्ट करे। और अंतिम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत जो बाध्यताएं हैं उनका वह पालन करने के लिए समर्थ होना चाहिए, असमर्थ नहीं, बल्कि बाध्यताओं का पालन करने में क्या हो, कॉम्पिटेंट हो। और अंतिम है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हो, जबरदस्ती ना बना दिया जाए, यानी कि वह क्या हो, इच्छुक। इसी में से तीन देगा और देगा उपर्युक्त सभी,
या तो आप क्या मार कर आएंगे उपर्युक्त सभी। अब अगर इच्छुक नहीं है तो जबरदस्ती उसे यूएनओ में शामिल न किया जाए। अब नए सदस्य कौन कौन शामिल किए गए हैं, अब इसी में आपका देखिए अब कैसे क्वेश्चन बनता है। ये तो भाई शामिल करना नए सदस्यों का प्रवेश हो गया। इसमें जो अगला मॉडल बनता है कि जो लेटेस्ट के 5-6 सदस्य हैं उनका नाम जरूर याद रखिएगा और उन्हीं का नाम लास्ट में पूछा जाता है, यानी कि आपका जो लास्ट पॉइंट मैंने इसमें है वह ये है कि जो लास्ट के देश हैं 5-6 उनका क्रम याद करना पड़ेगा। हम बता रहे जैसे कि 189 189वां कौन देश बना सदस्य, 189 के बाद आपका 190 हो गया, ये कौन सा देश बना, 191वें नंबर पर कौन सा देश बना, 192 पर, 193 पर। तो आपका 1 2 3 4 5 कम से कम 5 क्या करिएगा याद रखे रहिएगा, बता दे रहा हूँ मैं, इसको रट्टा मारना है। उसके बाद 2 देश वेटिंग में हैं वो भी जानना है, हो सकता है पूछ ले। देखिए 189वां जो सदस्य है वह तुवालु है, 190वां जो है वो स्विट्जरलैंड है, 191वां जो सदस्य बना पूर्वी तिमोर, 192वां जो बना मांटे नेग्रो, और लास्ट जो 193 पर बना दक्षिणी सूडान। अब इसके बाद आपका पूछा जाता है कि वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो आप कितना मार कराएंगे, लास्ट कौन सा है, 193। लेकिन 2 देश और हैं जो आपका वेटिंग में चल रहे हैं, यानी कि अप्लीकेशन लगा चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के यहाँ कि हमें भी मेंबर इसका बनाया जाए। अगर मेंबर बनते हैं तो 194वां देश बनेगा वेटिकन सिटी, जहाँ पोप रहते हैं वेटिकन सिटी, और 195वां देश बनेगा फिलिस्तीन। तो कौन वेटिंग में चल रहे हैं, 2 देश कौन कौन से हैं, वेटिकन सिटी और कौन सा है फिलिस्तीन। जैसे कि भारत में वेटिंग इन पीएम, तो बताइए वेटिंग इन पीएम कौन है, यानी कि मोदी जी के बाद कौन देख रहा है सपना, भाई उधर नीतीश कुमार भी देख रहे हैं ये भी याद रखिए, यानी कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के हैं उनका भी चर्चा रहता है हमेशा कि पीएम का क्या देखते हैं। इधर योगी जी भी देख रहे हैं, उधर अमित शाह जी देख रहे हैं, उधर राजनाथ सिंह जी देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं सपना। तो उसी प्रकार 2 देश यूएनओ का मेंबर बनने का सपना देख रहे हैं। अब हो अगर पास हो गया प्रस्ताव तो सपना क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 194वां देश कौन बनेगा, अभी बना नहीं है, वह आपका वेटिकन सिटी, और 195वां कौन बनेगा फिलिस्तीन। लेकिन अभी पूछे कि कितने मेंबर हैं, तो 195 न मार दीजिएगा, कितना, 193। चलिए आगे बढ़ा जाए, आपका अनुच्छेद 3 भी समाप्त हो गया, आइए 4 देखा जाए। अनुच्छेद जहाँ तक आपका ये देखिए आपका अनुच्छेद 4 समाप्त हो गया भाई, अनुच्छेद 5 शुरू किया जाए। जहाँ तक आर्टिकल आपका 5 की बात है, आर्टिकल 5 के तहत यूएनओ के किसी सदस्य देश को यूएनओ से सस्पेंड करना या निलंबित करने का प्रावधान किया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी देश को आपका यूएनओ से कौन सस्पेंड कर सकता है, कौन बाहर नहीं निलंबित, अभी हम बताएंगे भी निलंबन का मतलब क्या हुआ, कौन निलंबित कर सकता है। तो ऑप्शन देता है इसमें सुरक्षा परिषद, महासचिव, महासभा और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। तो बताइए कौन सस्पेंड करेगा, तो
तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसके द्वारा? महासभा। ये रट कर जाइएगा, ये नहीं कि इसमें गलती हो जाए, ये रट कर जाना है। अगला, ये आखिर किसी देश को अगर निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो फिर प्रभाव समझ लीजिए, वह देश या राज्य यूएनओ का मेंबर रहता है, इसमें कोई शक नहीं है, यानी कि वह देश यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना रहता है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होने के कारण किसी देश या राज्य को जो अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों से वह कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए, जब तक सस्पेंड रहता है, वंचित कर दिया जाता है। अब इसी को थोड़ा पब्लिक सर्वेंट पर जोड़िए, सही रहेगा, और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम पर जोड़िए। किसी पुलिस वाले को अगर सस्पेंड या निलंबित किया जाता है, तो क्या वह पुलिस सेवा में बना रहता है कि सेवा से हटा दिया जाता है? बना रहता है, लेकिन उसके अधिकारों पर क्या लगा दी जाती है? रोक। भाई माने आपका कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं, और ज़्यादा लोगों को रिजर्व पुलिस लाइन जो होती है, पुलिस लाइन, वहाँ बैठा दिया जाता है कि चलिए काम करिए, गड्ढा खोदिए, या ये बहुत हो गई है ज़्यादा घास, क्या छीलिए घास छीलिए, या 52 बीघा प्याज बोइए, चलिए खेत में। तो खेत तो है नहीं, कहीं कहीं होते हैं, तो आपका पुदीना भी बोवाया जा सकता है कि बहुत बदमाशी कर दिए हैं। तो आगे देखिए भाई आपका, तो अब तो याद हो गया, निलंबन का मतलब सदस्यता की समाप्ति नहीं, बल्कि कुछ समय तक क्या किया जाता है, अधिकार कर्तव्य पर रोक लगा दी जाती है। निलंबन किसके द्वारा किया जाएगा, ये भी याद रखना है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसके द्वारा? आपका महासभा द्वारा। आइए आगे देखा जाए, आपका किस देश को निलंबित किया गया है, तो वह जो आपका कह सकते हैं कि निलंबित किया गया था, दक्षिण अफ्रीका को। और क्यों किया गया था? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका रंगभेद नीति अपना रहा था, यानी कि वहाँ गोरे और कालों में आपका भेदभाव किया जा रहा था, इसलिए यूएनओ ने आपका दक्षिण अफ्रीका को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया था, फिर आपका बहाल कर दिया, बाद में सस्पेंशन वापस हो गया, लेकिन आपका किया गया था। क्यों? क्योंकि वह आपका रंग भेद की क्या अपना रहा था? नीति अपना रहा था। आगे बढ़ा जाए, इसमें आपका अनुच्छेद 5 हो गया, तो अब अनुच्छेद 6 चला जाए। 6 से भी क्वेश्चन बनता है, यूएनओ के किसी सदस्य देश को कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासित किया जा सकता है, अर्थात बर्खास्त किया जा सकता है, अर्थात सदस्यता से पूरी तरह कहाँ किया जा सकता है? बाहर। इसके लिए प्रावधान किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 6 में। और थोड़ा और अच्छे से जानना है, यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन बना है। पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन किसी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश को यूएनओ से निष्कासित कर सकती है, बाहर का रास्ता दिखा सकती है? तो फिर वही कहानी दोहरानी है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कौन? महासभा। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा। जो दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, वह ये बनता है कि किस आधार पर आपका किसी देश को यूएनओ से बाहर किया जा सकता है? तो बस एक लाइन, यदि वह देश बार बार, एक बार नहीं, बार बार
यूएनओ चार्टर के प्रिंसिपल या सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहा हो। अब तुरंत दिमाग में पकड़ना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 2 में कितने सिद्धांत दिए गए हैं? टोटल 7 सिद्धांत दिए गए हैं। तुम अब उदाहरण देखिए, 193 देश हैं, और अगर इन देशों में से किसी देश ने इन 7 में से किसी एक या एक से अधिक सिद्धांतों का मैंने पाल उल्लंघन किया है तो उसे यूएनओ की सदस्यता से बाहर कर दिया जाएगा, ये नियम है। लेकिन एक बार उल्लंघन न किया हो, बल्कि कब? बार बार। अब इसी को कोरिलेट कर लेना है। आईपीसी के सेक्शन आपका कह सकते हैं कि 354D यानी कि 354D से, और सीआरपीसी की धारा 110 से। अब देखिए, आपका दोनों धाराओं को देखिए और आप एविडेंस की धारा 14 से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि एक के पास एक कुत्ता है, वह एक आदमी को काटा तो क्षम्य है, लेकिन वही कुत्ता बार बार क्या कर रहा है? दूसरों को काट रहा है, तब क्षम्य नहीं है, एक बार क्षम्य है। अब आइए सीआरपीसी की धारा 110 भी आप अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं। हैबिचुअल अफेंडर, आदतन अपराधी, आभ्यासिक अपराधी, तो एक बार अपराध करने के लिए समाज में प्रसिद्ध हो कि कई बार? कई बार, बार बार। कई बार मतलब क्या? और स्टैकिंग या पीछा करना किसी स्त्री का आईपीसी की धारा 354D में पढ़ना है। एक बार पीछा किया हो कि बार बार, तब वह अपराध होगा। उसी प्रकार आपका आर्टिकल 6 भी देखना है। कोई देश एक बार सिद्धांत का वायलेशन किया हो कि बार बार, तब सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा उस देश को क्या कर सकती है? निष्कासित यानी कि बाहर का रास्ता दिखा सकती है, यानी कि उसकी सदस्यता क्या कर ली जाएगी? छीन ली जाएगी। अब यहाँ एक और पॉइंट देखिए, क्योंकि बेयर एक्ट भी देखना है भाई आपका। अब तक तो बेयर एक्ट में सही था, लेकिन जब इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो एक बात और बेयर एक्ट में लिखी गई है, वहीं एक बार जे में पूछा गया है कि कब किसी देश को यूएनओ की सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है। तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिया है, तो किस परिस्थिति में किया जा सकता है? तो पहला तो हो गया कि बार बार क्या करता हो, चार्टर के सिद्धांत का उल्लंघन। लेकिन एक और बात बेयर एक्ट में लिखी है, वही बात इस समय पूछी जा रही है कि ऐसे देश को या ऐसे राज्य को यूएनओ से निष्कासित किया जा सकता है जो जिसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद निवारक एवं प्रवर्तन कार्यवाही कर रही है, यानी कि प्रिवेंटिव एंड इन्फोर्सेबल इन्फोर्स वाली कार्यवाही कर रही है, यानी कि उसके खिलाफ अब कार्यवाही सुरक्षा परिषद ने शुरू कर दी, क्योंकि वह यूएनओ की बातों को माना नहीं है, तब उसको निष्कासित किया जा सकता है। ये भी सतर्क रहना है, यानी कि जिस राज्य के प्रति आपका कौन, तो आपका जवाब रहेगा सुरक्षा परिषद कैसी कार्रवाई कर रही हो, निवारक एवं प्रवर्तनी, मान उसके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास हुआ और उस प्रस्ताव को कौन लागू करा रही है? सुरक्षा परिषद। आगे बताया जाएगा कौन लागू कराता है। इस प्रकार अब आइए यूएनओ से सदस्यता की वापसी देखा जाए। निष्कासन समाप्त हो गया। क्या कोई राज्य आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को वापस ले सकता है कि नहीं? ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है। क्या मैंने 193 देश हैं वर्तमान में,
अगर कोई देश चाहे कि हम यूएनओ से अपने को विड्रा कर लें, प्रत्याहृत कर लें, संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता क्या ले लें, वापस ले लें, क्या ये संभव है कि नहीं, और किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो दिमाग अस्थिर करके पढ़ना है कि किसी भी अनुच्छेद में सदस्यता की वापसी का प्रावधान नहीं है। अब यहीं भरमाने के लिए दे देगा कि संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य द्वारा सदस्यता की वापसी का प्रावधान यूएनओ चार्टर के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में है। दे देगा अनुच्छेद 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या मार कर आएंगे, 3 में है नहीं, 4 में है, 5 में है, तो इनमें से क्या मारेंगे, कोई नहीं। यही गलती होता है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं वही आपका मैंने गिनती वाली कहानी जो बताया गया कि कोई ना कोई तो अनुच्छेद होगा ये सोचते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं है मैं बता दूं। यानी कि फिर एक बार देखिए टेक्निकल क्वेश्चन, ऐसे ही गलती होगी। यूएनओ की सदस्यता वापस ली जा सकती है कि नहीं किसी देश द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई प्रावधान नहीं है। तो भाई लेकिन, अब लेकिन लगाना है, इसके पहले जो 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस बना था, राष्ट्र संघ बना था, 1920 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था, वह इसी कारण से असफल हो गया, विफल हो गया कि वहाँ कोई भी सदस्य लीग ऑफ नेशंस या राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता वापस ले सकता था। तो हो सकता है राष्ट्र संघ में जाकर पूछ ले कि राष्ट्र संघ के तहत सदस्यता की वापसी के क्या प्रावधान थे। तो 2 प्रावधान याद रखिए। पहला प्रावधान ये था कि वह जो देश है यानी कि जो सदस्यता वापस लेना चाहता है 2 साल पहले राष्ट्र संघ को सूचित करता था, 2 साल, कितने साल पहले, 2 साल। और दूसरा ये था कि अगर राष्ट्र संघ के मसौदे में या किसी प्रस्ताव माने मसौदे में या चार्टर में संशोधन होता था, उस पर वोटिंग की जाती थी और वह विरोध में वोट देता था, तो 2 कंडीशनों में उसकी सदस्यता क्या हो जाती थी, विड्रा यानी कि वापस, प्रत्याहृत। क्योंकि इसके कारण हुआ क्या, ध्यान समझना है कि राष्ट्र संघ में 62 सदस्य थे और अंत में आते आते केवल 32 बच गए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर राज्य इस यूज किया इसका और अपनी सदस्यता क्या कर लिए, वापस। अतः जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ तो हुआ कि इस नियम को विफल किया जाए और आपका सदस्यता की वापसी का कोई प्रावधान न रखा जाए, कोई प्रावधान नहीं इस चार्टर में। अब ये है लेकिन। अब अगला क्वेश्चन, अगर कोई देश यूएनओ से हटना चाहता है तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जबरदस्ती उस देश को अपने यहाँ रख सकता है कि नहीं, सदस्य रख सकता है। यानी कि ये भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी सदस्य देश को बाध्य कर सकता है कि वह यूएनओ का मेंबरशिप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तो बाध्यकारी अगर न हो तो भाई राष्ट्र संघ जैसे हस्र हो, सभी लोग छोड़कर क्या हो, जैसे कि अफगानिस्तान छोड़कर सभी नेता परेता क्या हुए, यहाँ तक कि सैनिक भी भाग लिए, अरे हथियार तक थोड़ा लड़ाई करते, भले मारे जाते, भाई आप लड़ाई तो कम से कम करते। देखिए भागे उसका परिणाम क्या हो रहा है आज, मैंने अब जो जो भागा, जो पुलिस में था, सेना में था, खोज खोज के क्या हो रहे हैं। अभी तो महिला का भी मामला उठ गया, गर्भवती महिला जो पुलिस ऑफिसर थी घर में घुस के मार दिया गया कि ये पुलिस ऑफिसर थी। तो भागने से ऐसे ही मर मर मरते आप जब दूसरे देश कब्जा किया, तो
तो कुछ लोग तो मरेंगे 1 लाख 2 लाख, इसमें कोई शक नहीं है, अंत में जाते जाते। लेकिन आप लड़ते और लड़कर मर जाते, तो भाग गए और मारे मार मारे जा रहे हैं, तो अलग बात है भाई। देखिए आपका इस प्रकार आपका आर्टिकल 6 भी समाप्त हुआ। अब आइए 7 अध्याय, हम चल रहे हैं 3, एक दो दो लाइन का है, ज़्यादा नहीं है। अब चैप्टर 3 हम शुरू कर रहे हैं, और चैप्टर 3 में आपका जो दिया गया है, अंग दिया गया है, अंग यानी कि पार्ट, तो या भाग दिया गया है। अब भाग में आपका कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो 7 और 8। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बना है। और भाग आपका देखिए UNO यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके 2 अंग हैं, यानी कि आपका 2 प्रकार के पार्ट हैं, अंग हैं। एक जो अंग होता है वह मुख्य अंग या प्रधान अंग या प्रिंसिपल पार्ट कहा जाता है, प्रधान अंग कहा जाता है। तो पहला क्या हो गया, प्रधान या मुख्य अंग, और दूसरा कौन सा हो गया, सेकेंडरी पार्ट, या इसको सहायक कहते हैं, आनुषांगिक कहते हैं, गौण कहते हैं, या द्वितीयक अंग। याद रखिए, सहायक, आनुषांगिक, गौण या द्वितीयक। अब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बना है, मुख्य अंग कितने हैं आपका, पहला क्वेश्चन बनता है कि UNO के मुख्य अंग कितने हैं, तो आपका क्या जवाब रहेगा, 6। अब 6ों का पहले नाम हम बता रहे हैं फिर एक बार। पहला आपका हो गया महासभा, यानी कि इसको आम सभा भी कहते हैं, सामान्य सभा, जनरल असेंबली। दूसरा हो गया सचिवालय, सचिवालय, सचिवालय हो गया। तीसरा आपका ट्रस्टीशिप यानी कि न्यासिता परिषद हो गई। चौथा आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। पांचवा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और छठवां आपका सुरक्षा परिषद, इसको इंग्लिश में सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बना है। पहला भाई मॉडल देखा जाए, पहला मॉडल बना है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अंग है। 6 में 3 देगा और 1 ऑप्शन दे देगा, उपर्युक्त सभी। तो आप क्या मार कर आएंगे, उपर्युक्त सभी, कोई दिक्कत नहीं किसी को भाई, 6 रटना है। फिर आपका जो जे में बना है, उसमें से 6 अंगों के बारे में एक एक लाइन कम से कम जानना है, फिर अगला मॉडल बनाते हैं जो बना पिछली बार। जो ये महासभा है, इसको वर्ल्ड लेजिस्लेचर या विश्व संसद या विश्व विधायिका कहा जाता है नहीं? तो क्वेश्चन ये बना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व विधायिका माना जाता है, या कौन अंग विधायी कार्य करता है। तो क्या मार कर आएंगे, महासभा, रटिए कौन सा अंग, महासभा। फिर आपका पूछा गया है कि कौन सा अंग आपका कह सकते हैं कि सचिवीय कार्य करता है, सेक्रेटरियल, तो कौन सा कार्य कलर कौन सा आपका अंग लिपिकीय कार्य करता है, तो वह कौन सा अंग है, क्लर्कियल काम वाला, सचिवालय, आज भी करते हैं भारत में। तीसरा जो न्यासता परिषद पर भी पूछा गया है कई बार कि कौन सा ऐसा अंग है जिसके पास अब कोई काम नहीं है, यानी कि किस अंग ने अपना कर्तव्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, तो वह कौन सा अंग है, ट्रस्टीशिप या न्यासता परिषद, बताया जाएगा आगे। इसके बाद आ जाइए न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, यही गलती होगा कि निम्नलिखित, एक तो पहले इसके बारे में समझ लीजिए 2 लाइन, तब इस पर क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि
क्योंकि यहाँ से कई लोग गलत करके आ सकते हैं, वहीं सुधारना है कि जहाँ टेक्निकल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं गलत। देखिए इसमें आपका ये पूछा जाता है कि कौन, हाँ, विश्व न्यायपालिका किसे कहा जाता है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वर्ल्ड जुडिशरी, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन जो अच्छा बना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा ऐसा प्रमुख अंग है जिसका अपना अलग संविधान है, संविधान का मतलब अलग विलेख है, विलेख का मतलब अलग चार्टर है, चार्टर का मतलब अलग कानून है, अलग कानून का मतलब अलग संविधि है या अलग स्टेचूट है, सब एक ही है, ये नहीं कि अलग अलग मार दीजिए, तो एक ही संस्थान है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसके लिए हम अलग से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अलावा एक अन्य कानून पढ़ना पड़ेगा, तो इसको लास्ट में रखा जाएगा पढ़ाते समय, क्योंकि पहले ही पढ़ाया जाएगा तो समय ले लेगा, पहले पांच संस्थाओं को जल्दी जल्दी क्या करना है समाप्त, क्योंकि दो तीन संस्थाएं तो एक ही दिन में हो जाएगी, न्यासा परिषद, सामाजिक परिषद, वहीं आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आपका बता, थोड़ा समय लगेगा, नहीं तो दो संस्थाएं तो एक दिन में भी हो जाएंगी। तो आपका फिर याद रखिए क्वेश्चन का मॉडल, देखिए भाई, अब क्वेश्चन का मॉडल जो आपका बनता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है, जो ये न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ आपका ये तो रहेगा, देखिए ऑप्शन क्या रहेगा, एक मान लीजिए दे दिया न्यासा परिषद है ही, दूसरा दे दिया सचिवालय है ही, तीसरा दे दिया न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ही, और एक दे देगा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो आप लोग बताइए क्या, नहीं अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय, तो आपको ये देखना है कि क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय क्या छः अंगों में शामिल हैं, क्या हमने कहीं लिखा है अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय, तो ज़्यादा लोग क्या मार कर आ जाते हैं, देखते हैं न्यायालय लिखा है तो चलो सही, सही नहीं होगा, आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय प्रमुख अंग है, और जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है वह इसका अंग नहीं है, वह अलग है, आपका पढ़ते समय लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय बताया जाएगा, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, माने जे में भी, उत्तराखंड में भी, तो भी लास्ट में पढ़ाया जाएगा, यानी कि दो चार्टर आपको यूएनओ के बाद पढ़ा जाएंगे, किसके किसके, एक न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, तो कौन अंग नहीं है प्रमुख, तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय वो नहीं है। अगला देखिए, अब इसी में कई पूछ देगा कि भाई कौन प्रमुख अंग नहीं है, दे देगा यूनेस्को, दे देगा यूनिसेफ, दे देगा फिर आपका विश्व मुद्रा कोष, दे देगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, देगा खूब भरमाएगा, भ्रमना नहीं है, छः के अलावा जो भी बाहर जाए वह प्रमुख अंग नहीं है। अब एक और मॉडल, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख अंग हैं, अब देखिए यहाँ आपका गलती होने की संभावना रहती है, है में चार में से केवल एक चुनना है, तो आपका दे देगा श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय, ये भी नहीं है, यूनेस्को दे देगा वो भी नहीं है, यूनिसेफ दे देगा वो भी नहीं है, और दे देगा न्यासा परिषद, तो कौन है, हाँ चलिए कम से कम नहीं है, दूसरे दिन आए हैं तीसरे दिन पकड़ तो रहे हैं, मैंने कम से कम भाई कुछ तो दिमाग में बैठ रहा है ना थोड़ा बहुत, भाई देखिए आपका नहीं है, और सबको सलाह दी जाती है कि भाई थोड़ा समय देना पड़ता है, यानी कि आपका 10 दिन 15 दिन समझने में समय लगता है, आप चाहते हैं कि अचानक आकर हम सब कुछ जान लें तो हड़बड़ाने से नहीं काम होगा, यानी कि सबके लिए कहा जा रहा है थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा,
नए लोगों को 10-15 दिन, ये नहीं कि आज ही आए ये वो ये बता दीजिए तो भाई कोई जादू की छड़ी थोड़े कि घुमा दें तो एक दिन में सब दिमाग में घुस जाएगा। थोड़ा बहुत समय तो भाई देना ही पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल लग जाता है पढ़ते पढ़ते। तो आइए देखा जाए, 1 आर्टिकल और बचा है उसको देख लिया जाए, और वह आपका आर्टिकल है लास्ट में 8। इधर 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है। 8 में ये दिया गया है, समानता की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है। पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में समानता की बात की गई है, तो क्या जवाब रहेगा? 8। दूसरा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जो मेल और फीमेल होंगे यानी कि पुरुष और स्त्री होंगे UNO के प्रमुख अंगों में और UNO के सहायक अंगों में बराबर हैसियत में हिस्सा लेंगे, बराबर हैसियत में काम करेंगे और इनमें कोई विभेद इसलिए नहीं किया जाएगा कि ये पुरुष हैं और ये स्त्री हैं। तो पुरुष और स्त्री में कार्य करने, पद पर बने रहने में समानता होगी। कौन सा आर्टिकल है? आपका 8। अच्छे से तैयार रखे, पूछा गया है। अब इसी को भारतीय संविधान में जोड़ना है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समानता या इक्वलिटी की बात की गई है? 14। विभेद नहीं कर सकते, जैसे कि अगर पुरुष मंदिर में जा रहा है तो महिला क्यों नहीं जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने सारे तर्कों को खारिज किया और कहा कि महिलाओं को भी जाने का क्या है मंदिर में हक। याद रखिए आपका कई केस आए, सनी सिंगड़ा पूरा आया, तमाम केस आए, इधर विवाद उत्पन्न हुए। इसके बाद आपका आर्टिकल 15 भी देखना है, और 15 में ये है कि लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार, केवल जेंडर के आधार पर राज्य सरकारी नौकरियों के अलावा अन्य मामलों में योजना बनाते समय कोई विभेद नहीं करेगा, कोई आपका विभेद नहीं करेगा। लेकिन सरकारी नौकरी है तो केवल लिंग के आधार पर विभेद नहीं, ये 16 में, और सरकारी नौकरी से भिन्न मामला है तो अनुच्छेद 15। एक लाइन याद रखे, 15 कब लागू होगा आर्टिकल? जब सरकारी नौकरी न हो, और सरकारी नौकरी का मामला आ गया तो कौन सा आर्टिकल लागू होगा? 16। लिंग के आधार पर विभेद को क्या करता है हमारा संविधान? वर्जित का। और भी जगह है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण है जो आपका अच्छे हैं। आपका देख सकते हैं आप इस समय वर्तमान में अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और देखिए आपका कबीले वहाँ हैं, तमाम गुट हैं, और आपका कबीलों का एक सरदार होता है जिसे हम खलीफा कहते हैं। खलीफा जिसे कहा जाता है समाज में, बहुत बड़े खलीफा बन गए हो, इसका मतलब कि गुंडों का या बदमाशों का या शरीफों का जो भी कहिए क्या बन गए हो सरदार। तो ये जो खलीफा हैं ये अपनी हैसियत के लिए लड़ते हैं, और आपका एक संभावना है कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद गृह युद्ध आ जाए, क्योंकि हर एक जिले में खलीफा, हर एक गांव में खलीफा, तो वे खलीफा जैसे ही उनका हक मारा जाएगा वो खलीफा फिर हथियार उठा लेंगे। एक समस्या बनी है। दूसरी समस्या लास्ट में बता दिया जाए, ये बनी है कि एक आपका डर है भारत के लिए भी, और अमेरिका भी डर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि फिर आतंकवादी उसी देश में पनाह पाए जहां पहले पाए पाए थे, और फिर वहां से पूरे विश्व को तहस नहस करने का प्लान बनाए। क्योंकि तो अब जितने भी आतंकवादी खूंखार हैं, पहुंचना क्या किए अफगानिस्तान में शुरू कर दिए हैं, और पाकिस्तान उधर पूरी तरह क्या कर रहा है, चीन सपोर्ट। भाई पाकिस्तान और चीन तो चाह ही रहे हैं कि ये आतंकवादी कहाँ जाए, भारत में अमेरिका में जाएं और आपका हंगामा करें, ये कब अच्छा भारत का चाहें। तो भारत को भी
पहले से अधिक सतर्कता बरतने की अब क्या है आवश्यकता, क्योंकि खतरा ज्यादा है। तो आपका इस प्रकार मैंने अनुच्छेद 8 तक फिर एक बार पढ़ाया गया, क्योंकि कुछ बातें हमारे हमारे नजरिया में मिस कर गई थी। तो अभी आपका 15 मिनट ब्रेक रहेगा और फिर एविडेंस चलेगा, कन्फेशन शुरू करना है, यानी कि संस्वीकृति। आज परिभाषा और भाषा बता दिया जाए ताकि थोड़ा बहुत स्पीड उसमें बढ़े, क्योंकि सबसे आपका स्लो एविडेंस ही चल रहा है, यानी कि एविडेंस जब से शुरू हुआ, ऑनलाइन में जुरिस्प्रूडेंस समाप्त हो गया, अंतर्राष्ट्रीय भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन एविडेंस तो थोड़ा बहुत उसको 32 तक थोड़ा समय लगता है, 32 तक धारा। तो 15 मिनट का रेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका साक्ष्य नियम की क्लास चलेगी।